हरिद्वार में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। बावजूद इसके धर्मनगरी में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन शराब तस्करों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। नशे के इस कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए एक बार फिर आबकारी विभाग ने पथरी थाना क्षेत्र के दिनारपुर नाले के पास छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में कच्ची शराब और लहन बरामद हुआ, जिसके बाद टीम ने इसे नष्ट कर दिया। आबकारी विभाग ने पिछले 15 दिनों में विशेष अभियान के तहत लगभग 35 मुकदमे दर्ज करते हुए 14,500 किलो लहन नष्ट किया। जिला आबकारी अधिकारी प्रभाष शंकर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि नए साल को देखते हुए विभाग ने विशेष अभियान चलाया है, जिसमें 373 छापेमारी करते हुए 35 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। साथ ही 470 लीटर कच्ची शराब के साथ 550 लीटर देशी शराब जब्त की गई है। इसके साथ ही 14,500 किलो लहन नष्ट किया गया है, जबकि 2 दर्जन से अधिक शराब की भट्टियां नष्ट की गई हैं। शेष अभियान जो हमने चलाया है वो इस ध्यान में रखते हुए कि लोगों को जहरीली शराब से दूर रखा जाए और जो अवैध शराब के अड्डे हैं कच्ची शराब के, इनको समूल रूप से नष्ट किया जाए। इसके लिए पूरे जनपद में 373 छापे डाले गए और उसमें हमने 35 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें अकेले हमने 470 लीटर कच्ची शराब बरामद की है और देसी और अन्य शराब के साथ हमने 526 लीटर शराब बरामद की है और करीब 14,500 किलोग्राम हमने लहन नष्ट किया है और 2 दर्जन से अधिक भट्टियां नष्ट की हैं। और आज भी कार्रवाई चल रही है और रंजीतपुर में हमने आज भी एक भट्टी नष्ट की है और करीब 4,000 कुंटल लहन आज भी नष्ट किया है। आबकारी विभाग और पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई से अवैध शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।